वैसे तो बहुत सारे टर्किश ड्रामास ऑलरेडी अवेलेबल हैं हिंदी में, उसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं, आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे कॉमेडी टर्किश ड्रामास के बारे में जो आपको जरूर देखना चाहिए। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आप देख रहे हैं यान इन्फो। 7 नए एपमेस। ये कहानी नाजली और ओजैन की है। नाजली एक छोटे से गांव में रहती है और ओजैन एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है जो अपने आंटी के घर आया होता है जहां नाजली रहती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, मगर ओजैन को एक दिन पता चलता है कि उनके पिता का पूरा बिजनेस बर्बाद हो चुका है, जिसके वजह से वो फिर से इस्तांबुल वापस चला जाता है। जिसके बाद नाजली उसे ढूंढने के लिए इस्तांबुल आती है और आगे क्या होता है देखने के लिए देखिए नाजली। ये एक रोमांटिक कॉमेडी शो है। इस शो के 66 एपिसोड्स अवेलेबल हैं जो सारे आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगा। एनी जेलन। न्यू ब्राइड की कहानी बेला और हजार की है, जो 3 साल से एक रिलेशनशिप में और शादी करना चाहते हैं। बेला की मॉम स्पेन से हैं और फादर टर्की के हाई सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। वही हजार अदाना के बोसेक फैमिली को बिलोंग करता है जो अपने ओल्ड कस्टम और ट्रेडिशंस को बहुत ज्यादा मानते हैं। क्या होगा जब ये दोनों फैमिली आपस में मिलेंगी? क्या हजार की फैमिली बेला को एक्सेप्ट करेंगे और क्या होगा इस सीरियल में आगे, ये आप देखने के लिए देखिए एमएक्स प्लेयर पर न्यू ब्राइड, जो बिल्कुल फ्री अवेलेबल है और ये कॉमेडी सीरियल है तो आपको देखने में बहुत मजा आएगा। रिलेशनशिप स्टेटस इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ये कहानी आयशा गुल की है जो अपने घर में अकेली रहती है और वो एक राइटर बनना चाहती है। उसके दो दोस्त होते हैं जो धोखे से उसका घर बेच देते हैं और उसका घर एक टर्किश एक्टर जान टैकिन लेता है, जिसके बाद आयशा गुल के पास कोई घर नहीं होता। जिसके बाद जान टैकिन उसे एक अग्रीमेंट करता है और वो उससे नकली शादी कर लेता है और उसे उसके घर में रहने देता है। पर इससे दो इंसान खुश नहीं है और वो कौन है और आगे क्या होगा ये देखने के लिए देखिए मैं आयशा गुल यूट्यूब और Zee5 ऐप पर। FLA अश्क। ये एक रोमांटिक कॉमेडी टर्किश ड्रामा है जिसको आप उर्दू में तेरा मेरा प्यार के नाम से देख सकते हैं यूट्यूब पर। यह कहानी आयशे की है जो एक शख्स से प्यार करती है, मगर ये बात उसके दो भाइयों को पता चल जाती है, जिसके बाद वो आयशे की शादी एक अमीर बाप के बिगड़े हुए लड़के से करवा देते हैं जिसका नाम है अमीर। मगर इस शादी से दोनों खुश नहीं है, मगर आगे क्या होगा ये देखने के लिए देखिए तेरा मेरा प्यार यूट्यूब पर। लिटिल लॉर्ड। ये कहानी मेहमत चांद की है जो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है सिनेम और अली, जहां दोनों के पेरेंट्स इस शादी से राजी नहीं थे और अब शादी के बहुत सालों के बाद दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं और ये बात डिवोर्स तक चली जाती है। जिसके बाद मेहमत चांद दोनों को मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उसकी शरारतों से और उसकी स्मार्टनेस से, और आगे क्या होता है देखने के लिए देखिए लिटिल लॉर्ड। अगर आप लिटिल लॉर्ड के सारे एपिसोड देखना चाहते हैं हिंदी में तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, उस पे जाके क्लिक कीजिए और वहाँ पे आप सारे एपिसोड देख सकते हैं।